हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो क्यों आती है, कभी कभार उसका नोटिफिकेशन भी आता है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे आती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो भर जाता है, जिसकी वजह से स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्यूशन कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अपने है ना मोबाइल फोन की या तो फोन गैलरी ओपन करनी है, या तो आप ये गूगल फाइल का ऐप है, या तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये देख सकते हैं, मेरे मोबाइल फोन में जो है ये 128 GB मेरा इंटरनल स्टोरेज है, और यहाँ पर ये 22 GB या 23 GB लगभग जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वैसे तो खाली है, लेकिन अगर जब ये भर जाता है तब ऐसा ही सिचुएशन आती है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अगर स्टोरेज भरा हुआ है तो आपको नीचे फ्री अप स्पेस क्लीन अप, यहाँ से आपको अपनी फोटो वीडियो जो काम की नहीं है उन्हें आपको डिलीट कर देना है, जिससे आपका ये स्टोरेज खाली हो जाएगा और आपकी जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये फोटो वीडियोस आप जो है अपने मोबाइल फोन की गैलरी में से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको दूसरा प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पर रन करते रहते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन की बैटरी और आपके मोबाइल फोन का डेटा और भी बहुत सी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे कारण जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो ऐप्स है इन सभी ऐप्स को स्टॉप करना है। ठीक है, जो बैकग्राउंड पेज पे रन करते हैं, कैसे करना है, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट का, इसे आपको टैप करना है, तो आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सिर्फ वही ऐप्स आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते हैं, आपके मोबाइल फोन के सारे ऐप्स यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ वही ऐप्स होंगे जो मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते हैं। तो इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे करना है, देखिए आपको है ना ये कोई भी एक ऐप जो है सिलेक्ट करना है, तो आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड का ये ऑप्शन मिलता है, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस, इसके सामने वाले सर्कल पर टिक मार्क लगाना है, तो आपका ये ऐप स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक रन नहीं करेगा, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको ये बाकी सभी ऐप्स को भी स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस यहां पर आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स होते हैं ना, इन सभी के डेटा को आपको क्लियर कर देना है एक एक करके। ठीक है, अब देखिए जो ऐप्स होते हैं इनके डेटा को आप क्लियर कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको जो है कोई भी ऐप जो उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा या सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है, तो आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैच। अगर ये ऑप्शन मेरा हाईलाइट नहीं है अभी तो, लेकिन आपका ये हाईलाइट अगर ब्लू कलर में होगा तो पहले आपको क्लियर कैच पर टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, इसके बाद इसे डिलीट कर देना है, तो आपका नीचे यूजर डेटा भी सामने वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मोबाइल फोन के सभी ऐप्स के डेटा को रीसेट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके फोन में फालतू में पड़े रहते हैं, आप उन्हें यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन सभी ऐप्स को फालतू वाले को अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहां पर जो है ना अगला प्रोसेस देखिए आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ये ऐप्स होते हैं ना, ये आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में अगर आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज से इन सभी ऐप्स को अपने मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर लीजिए, जिससे आपका मोबाइल फोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो खाली भी रहेगा और आपका स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना काफ़ी सारे ऐप्स आपके ऐसे होते हैं जिनके लाइट वर्जन आते हैं, जैसे कि ट्विटर लाइट, फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट। ठीक है, तो आपका जो ये जो लाइट वर्जन होते हैं ना इन ऐप्स के, काफ़ी सारे ऐप्स के लाइट वर्जन आते हैं, तो नॉर्मली आपका जो इंस्टाग्राम ऐप होता है वो आपका 50 से 60 MB का होता है। ठीक है, जिसके कारण वो आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज को बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। ठीक है, तो आपको है ना इंस्टाग्राम लाइट का यूज़ करना है, वो आपका इंस्टाग्राम लाइट जो है 2 से 5 MB का होता है, उसे आपको यूज़ कर लेना है। ठीक है ना, वो आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है कम घेरेगा। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अगला प्रोसेस यहां पर करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, रीसेट कैसे करना है, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे, तो सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा, इस पर टैप करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको जो है ना रीसेट करने से पहले आपको कुछ
बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन में ये जो इरेजर डेटा पर टैप करने से पहले ना आपके मोबाइल फोन में जो काम का डेटा, जो आपका जरूरत का डेटा है, जैसे कि फालतू के डेटा को छोड़ के, जो आपकी काम की फोटो है, काम की वीडियो है, जो आपके काम की है, ठीक है, जो भी डेटा आपके काम का है, वो पहले तो आपको अपने दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है। कंप्यूटर लैपटॉप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो काम का डेटा उसे ट्रांसफर कर लेना है, नहीं तो वो भी साथ का साथ जो है सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, उसे आप बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो और आपकी जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड है वो भी आपको लिख के रख लेना है, ताकि आप अपने फोन को दोबारा बाद में लॉग इन कर सकें, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस जो है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो आपके स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।